वो कहते हैं ना, लड़की की हंसी और कुत्ते की खामोशी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहाँ कोई प्यार से तुम्हारी ले ले या पता नहीं कुत्ता कब तुम पे हावी हो जाए। मैं एनिमल के ट्रेलर की बात कर रहा हूँ जो आपने देख ही लिया होगा, और इसको देखने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जैसी उम्मीदें थी संदीप रेड्डी वंगस से, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने उतना काम हमें दिया है। और कितनी ही पोटेंशियल होगी बंदे में वो ये देखकर पता लग जाता है। ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ मैं अभी इतना कहना चाहूँगा कि दिल ले लो हमारा, हम तुम पे फिदा है, क्योंकि जब कोई वो पूरा कर देता है जो उसने वादा किया था, और अंदाज़ा ये मानने का कि हाँ ये बिल्कुल पक्का होगा, और वो काबिलियत जिस पे आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते, जिसमें आपका फिसलना पक्का होता है, चाहे आप किसी की बाहों में गिरे या बाहों से गिरे, पर मेन मुद्दा आपके मज़े पर आ जाता है। और अगर वो आ रहा है तो तुम भी खुश और जमाना भी खुश लगने लग जाता है। खैर ये बातें तो चलती रहेगी, अभी कुछ ट्रेलर की बात कर लेते हैं। पर अभी तक तो ट्रेलर की ही बातें कर रहे थे, जोक सपाट। जहाँ भी एनिमल के ट्रेलर की हवाबाजी कितनी रफ्तार से है, जहाँ इसे रोक कर देखना पड़ रहा है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। बाकी कमाल की मेकिंग है, तो मैं ये मजा चाहता हूँ एक एक्टर में कितनी ताकत, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, पर जो 100% वाली एक्टिंग होती है अगर वो कोई डायरेक्टर निकाल ले तो वो चरम क्या ही होता है, वो संदीप रेड्डी वांगा में दिखता है। उन्होंने रणबीर कपूर को कहा कि एक्टर तुम मस्त हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग से तुम्हें लीजेंड घोषित करता हूँ। प्योर गूज़बम्प आ गया। जहाँ तारीफें ट्रेलर के हर सीन में छिपी है, वो फादर एंड सन वाला कन्वर्सेशन कि इस बार आप मेरे बेटे और मैं आपका बाप, जहाँ बाप को ये पता लग जाए कि बेटे को कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज होती है, जहाँ एनिमल में रणबीर कपूर के पापा का रोल अनिल कपूर कर रहे हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते, वहीं लॉर्ड बॉबी एक अलग जपनाम वाला करेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, और भाई वो उनकी आंखों में बदला नजर आता है कि वो बंदा किस हद तक दरिंदा बन सकता है। जहाँ वो किसी फंक्शन का शॉट देखकर पता लगता है कि भाई किसी को भी हल्के में ले लेना पर मुझे मत लेना, साथ ही साथ डर का माहौल भी बन जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो पता नहीं क्या क्रिएट कर सकता है, और जिसके बाद वो कितना खतरनाक होने वाला है जिसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, ये तो 1 दिसंबर को मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। वहीं मैं किसी और की भी बात करना चाहता हूँ जो इस ट्रेलर में काफ़ी बिखरी बिखरी सी लगी, रश्मिका मंदाना, जहाँ उसे पूरा एक डायलॉग दिया गया है जो वो बोलती भी है पर वो मेरे समझ में नहीं आया, अगर आपके आया हो तो कमेंट्स में बता देना। पर उस सीन को देखकर ये भाव तो पैदा हो जाता है कि इसमें रणबीर कपूर अपने पापा को लेकर, मतलब अनिल कपूर को लेकर कितना ही सीरियस होने वाला है, जहाँ अनिल कपूर का नाम इसमें बलवीर सिंह है और उनका कोई बिजनेस है, जहाँ मजदूर भी है वगैरह, फैक्ट्री वगैरह होगी, और भाई उन पर कोई अटैक करता है, काफ़ी लोचा लपाड़ा होता है, ये देखने को मिलेगा मूवी में जहाँ तक उम्मीद है। जहाँ रणबीर कपूर इशारा करता है कि अब पापा को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए वरना जलने के लिए तैयार है, जहाँ ये भी पता लगता है कि पापा के आगे कुछ भी नहीं, चाहे तुम मेरी अब सजनी हो या मुझे चाहने वाले। खैर ये सब मैं उसकी तरफ से ही कह रहा हूँ, इसका मुझसे कनेक्शन मत बांध देना। और वो बड़े वेपन वाला सीन भाई कहाँ से लाए हो संदीप रेड्डी वांगा, फाड़ के रख देगा, मैं बता रहा हूँ इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और इसे देखकर पता लगता है कि इसमें अपने हीरो के अपोजिट जो एनिमी होंगे वो कम या कमज़ोर नहीं होने वाले, वरना इतनी बड़ी बंदूक की थोड़ी ज़रूरत थी, और इसको बंदूक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, जो मुझे नहीं आ रहा कि इसको क्या ही कहेंगे। खैर तुम बता देना अगर तुम्हें पता है, कमेंट्स में बता देना। जहाँ पूरा बदला लिया जाएगा, जो ट्रेलर के आखिरी वाले सीन में पता लग जाता है वो कितना कूल शॉट था, बॉबी देओल ऐसे सुट्टा मार रहा है जब फाइटिंग चल रही है पर उसे कोई फिक्र नहीं पड़ी है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करना कितना ही मज़ेदार होने वाला है। उसके ट्रेलर में, इसके टीजर में कुछ सीन अटैच होते दिखते हैं, जैसे वो कार वाला सीन जिसमें रणबीर कपूर एक एरोप्लेन के पास जाता है, शायद उसमें बॉबी देओल ही होगा, और वो सीन और ट्रेलर का आखिरी वाला सीन जो एक ही है, जहां अब इसकी कहानी पर बात आ जाती है, तो इसके बारे में किसी और वीडियो में फुर्सत से बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो ख़त्म करने वाली चीज़ है नहीं ये। और तुम बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर पर। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ वर्ल्ड कप 2023 वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू द चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और इसी तरह देखते रहो बेयर बैक क्रिएट।